की खिड़की जो खोलूं तो देखूं, यहां से वहां सारी दुनिया में घूमूं। उठ जा बेटा वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। चल शाबाश, मैं नाश्ता बना रही हूँ तेरी। अच्छा गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग बाबा। आप लोगों की अभी सुबह हो गई हुई है, लेकिन आप लोग सुबह उठ के करते क्या होंगे? मुझे दिखते होंगे ना? लमिया तो आपको बहुत प्यार करती होंगी। मेरे तो यहाँ सिर्फ नानी प्यार करती है। लमिया, आपने मेरे मामा बाबा को क्यों बुला लिया? बिट्टो। जी नानी, मैं तो कब की उठ गई थी, बस मामा बाबा को गुड मॉर्निंग भी कह दिया मैंने। अच्छा अब यूं कर, जल्दी से उठ के तैयार हो जा वरना देर हो जाएगी स्कूल के लिए। मैं नाश्ता बनाती हूँ। जो खोलूं तो देखूं, यहां से वहां सारी दुनिया में घूमूं। कानों की खिड़की जो खोलूं तो देखूं, यहां से वहां सारी दुनिया में घूमूं। ये सेट उठाओ और अपने घर ले जाओ, और इसके पैसे मैं तुम्हारी तनख्वाह से काटूंगी। प्लीज मैडम, ऐसा मत कीजिएगा, मेरी तो सैलरी भी बहुत कम है। बकवास बंद करो और उठा इसे। आई एम सॉरी। साफ करो इसे, फर्श गंदा हो गया है। बाल बना रही हूँ, उसके बाद जाके यूनिफॉर्म पहन लेना, ठीक है? जी अच्छा। गर्दन तो सीधी रख। शाबाश, फिर बाल नहीं खींचेंगे। आप डॉक्टर के पास जाइए ना। नहीं बेटा, डॉक्टर के पास तो मैं
पीए को जाऊंगी, आज तो हफ्ता है। तो आप हर हफ्ते को कहाँ जाती हैं? उसे दरवाजा है बेटा, दस्तक देने जाती हूँ। कौन सा दरवाजा? क्या वो लम्या का दरवाजा है? यही समझ लो, दुआ करो कि खुल जाए। नानी आप परेशान मत हो, तो दरवाजा भी खुल जाएगा और मैं दुआ भी करूंगी। अच्छा देख बेटा, मैं तुझे खुद छोड़ने जाती स्कूल, लेकिन मुझे जल्दी आज फहमीदा से कहा था कि आ जाए, अभी तक नहीं पहुंची। नानी आप परेशान मत हो ना, मैं अब बड़ी हो गई हूँ और मैं दुआ भी करूंगी। अच्छा आप जल्दी से जाएं, फिर दरवाजा नहीं खुलेगा। मेरी शेरनी। अच्छा देखना जा रही हूँ, अब फहमीदा भी आए ना तो फिर दरवाजा पूछ के खोलना, वरना मत खोलना। ये क्या बदतमीजी है, दो मेरा नाश्ता। नहीं दूंगी। अब क्या करोगे? लो ना लो ना। दो मुझे इधर। नहीं दूंगी। दो मुझे। नहीं दूंगी। मेरा नाश्ता मुझे दो। नहीं दूंगी। दो। नहीं चची जान, ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। क्या कहा तुमने? मेरी बेटी के आगे से नाश्ता उठाया कैसे तुमने? और ये झूठा किसको बोला, मेरी बेटी को? बोलो। चची जान छोड़े, दर्द हो रहा है। हमारे घर पे रहते हो, हमारे टुकड़ों पे पलकर मेरी बेटी को खाने से महरूम करते हो। आज से तुम स्कूल नहीं जाओगे। नहीं चची जान, बहुत जरूरी टेस्ट है, प्लीज जाने दें। आज से तुम्हारी पढ़ाई बंद, आने दो वकार को, करती हूँ मैं तुम्हारा बंदोबस्त, छुड़वाती हूँ तुम्हारा स्कूल, फिर आएगी अकल ठिकाने। चलो तारा तुम्हें नाश्ता करवाऊ। कर लिया तुमने नाश्ता, और तंग करो तुम मुझे। Wait, let me connect you. Hold. अम्मा, आप आज फिर आ गईं?
क्या करूं बेटा? अम्मा आप सीढ़ियों से आई हैं, लिफ्ट भी तो है। बेटा मुझे उस मशीन से डर लगता है। अम्मा बॉस आज भी बहुत बिजी हैं। बेटा वो जितने भी बिजी हो मुझे तो उनसे मिलना है। अम्मा अगर उन्हें मिलना होता तो अब तक मिल लेते। आप मुझे बता दें आपको कोई काम है तो। बेटा कुछ सवाल इतने खुददार होते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। अब मुझे जो कहना है ना वो तुम्हारे बॉस से ही कहना है। इंतजार कर लेते बैठ के। हिना बेटा मैंने आपसे कहा था आपको न्यू यूनिफॉर्म लेना है, आपको स्टेज पर जाना है, सब आपको देखेंगे, तो आपने क्यों नहीं लिया? नानी वो मेरी टीचर कह रही है। ठीक है। दोबारा सो रहेगा? दवाएं भी नहीं आएंगी। क्या कर रही थी टीचर? कुछ नहीं नानू, बस ऐसे। हिना बेटा मैं कुछ पूछ रही हूँ, आपने यूनिफॉर्म क्यों नहीं लिया? वो मैम सॉरी, सब देखेंगे आपको, तभी तो मैंने कहा था आपसे न्यू यूनिफॉर्म लेकर आए। मैम मेरी नानू के पास पैसे नहीं थे, बस थोड़े से ही थे। अगर मैं वो पैसे ले लेती और अपना यूनिफॉर्म खरीद लेती तो मेरी नानू की तबीयत और खराब हो जाती ना। दवाइयों के बगैर मेरी नानू की तबीयत ठीक नहीं होती। अच्छा इसीलिए नहीं कहा तुमने यूनिफॉर्म को उनसे? गुड गर्ल। रुको, देखा अम्मा मैंने कहा था ना बॉस आज बहुत बिजी है। जो अल्लाह को मंजूर, अल्लाह मालिक। आप मेरे बाबा है ना? आपके बाबा कहाँ हैं? आप ही तो हैं। खिड़की जो खोलूं तो देखूं, खाबों की खिड़की जो खोलूं तो देखूं। हाय थैंक यू सो मच मिस्टर वकार, आप वाकई बहुत अजीम इंसान हैं। अरे नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया और इंसान अजीम नहीं होता।
अल्लाह की दीवी तौफीक का सीन है। सर ये तो आपका बड़ा पन है, वरना हमारे जैसे छोटे स्कूल्स को कौन तवज्जो देता है। देखिए मैंने तो वही किया जो मुझे करना चाहिए। बिल्कुल सर, हर साल आप हमारे स्कूल के 10 बच्चों को स्कॉलरशिप अनाउंस करते हैं, ये इस बात की मिसाल है कि आप बहुत अहम हैं। आइए बच्चे इंतजार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब वकार अहमद साहब। पिछले 10 सालों से हमारे स्कूल की कंस्ट्रक्शन में इनका बहुत बड़ा किरदार है। इसके अलावा हर साल 10 बच्चों को स्कॉलरशिप भी अनाउंस करते हैं। अब मैं बिल्कुल भी सर का वक्त जाया नहीं करूंगी और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूंगी, तो सर इजाजत है? प्लीज प्लीज। जी बिल्कुल। आयशा आइए। अस्सलाम वालेकुम, नाउ आई कॉल उजैर क्लास 7 सेकंड पोजीशन। Now I call Fatima class 4 third position. Now first prize goes to Hina Vakkar. Hina Vakkar, please come on the stage. पापा है ना, अल्लाह मैंने आपको मेरे लिए भेज दिया ना, मैंने अल्लाह ताला से आपके लिए दुआ करी थी कि वो आपको छुट्टी दे दे ना। बेटा आपके पापा कहाँ हैं? आप ही तो हैं मेरे पापा, आप मेरे साथ ही रहेंगे, बस आप कहीं मत जाएगा, मैं अल्लाह ताला से केक और छुट्टियां बढ़वा लूंगी, लेकिन बाबा आप कहीं मत जाएगा प्लीज बाबा। बेटा मुझे तो वापस जाना है, लेकिन मैं आपके बाबा के लिए बहुत दुआ करूंगा और आपके लिए भी दुआ करूंगा कि आपके बाबा जल्द आपके पास आ जाए। बाबा अगर मैं हमेशा टॉप करूंगी तो आप भी वादा करें ना कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। हिना, बस की कोई। मैं नानू कहती थी मामा बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, वरना खो जाते। हिना की कोई, हाथ छोड़ो और गेस्ट के साथ ऐसा नहीं करते। नहीं बस चुप बिल्कुल। सर आपका एक एक लम्हा बहुत कीमती है, और हिना प्लीज की कोई। सर आप आइए, आप प्लीज बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। अल्लाह मियाँ मैंने आपसे कहा था कि बाबा को मेरे पास भेजे, ये भी कहा था सर इतनी देर के लिए भेजे, मैंने तो बाबा से सही से बात तक नहीं करी। आईसी तो ये बात है, उसके बाबा की शक्ल मुझसे मिलती है। बेटा अभी आपको वकार साहब के सामने क्या बोलना है मैंने आपको समझाया ना? मैम वो मेरे बाबा है, आई प्रॉमिस मैं छुट्टी बोल रही हूँ, मेरे बाबा है। अच्छा सॉरी, उनसे कह दूंगी मैं। सॉरी सर। बेटा सॉरी की कोई बात नहीं है, तो आपके बाबा की शक्ल वाकई मुझसे मिलती है? सर वो आप ही तो हैं, आप ही मेरे बाबा है सर। हिना बेटा बिहेव, मैं आपको क्या समझाया था अभी? वो I'm so sorry सर, वो असली मैंने आपको बताया था ना। नहीं नहीं it's okay, sorry की जरूरत नहीं है आपको, it's okay, कोई नहीं मैं चलता हूँ। जी सर। टीचर टीचर छोड़े मुझे, मेरे बाबा चले जाएंगे, आपको पता है? हिना मैम
आपने मुझे जाने क्यों नहीं दिया? आपके वजह से पापा कभी नहीं आएंगे। मैंने अल्लाह ताला से दुआ करी थी कि वो पापा को भेजते। आप अपनी क्लास में जाइए। अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। मैम मैं तुमको लेकर जाइए क्लास। चलिए क्लास। मेरे बाबा की खुशबू। मैरी। भूख लग रही है ना? अभी मैं अपने बेटे को कुछ अच्छा सा बना के देती हूँ। कितनी जालिम औरत है। सब कुछ है लेकिन इतना कम दिन। खुद भी माँ है लेकिन एक यतीम बच्चे के साथ इस तरह से ज्यादती। और वो भी अपनी बदतमीज बेटी के कहने पे। मैरी। तो मैं बहुत जालिम हूं। मेरे घर में रहती हो, मेरा खाती हो, मेरी बुराई करते हुए शर्म नहीं आती? तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। और तुम, शर्म तुम्हें भी नहीं आती? अपने चाचा के घर रहते हो और उसी की बुराई करते हो एक मुलाजमा के साथ। नहीं चाची जान, ऐसा कुछ नहीं है। आप गलत समझ रही हैं। चुप हो जाओ। झूठ सुनने की आदत नहीं है। आज से तुम्हारा खाना बंद। जाओ, दफा हो जाओ यहां से और अपने कमरे में जाओ। और तुम 2 मिनट में जाके खाना लगा दो। दफा हो जाओ यहां से। वो बच्ची कौन थी? वो उसके आंसू दिल पर गिर रहे थे। आज मेरे स्कूल बाबा आए थे। बाबा? वो कैसे? वो सब मुझे नहीं पता लेकिन आए थे। ऐसे धक्का दिया था ना मेरी बेटी को? अब रहो अंदर, भूखे प्यासे। की खिड़की जो खोलूं तो देखूं, ख्वाबों की खिड़की जो खोलूं तो देखूं। दिल पर गिर रहे थे। बाबा, आप मेरे बाबा है ना? अल्लाह मियां ने आपको छुट्टी दे दी। मैंने अल्लाह ताला से आपके लिए दुआ करी थी कि वो आपको छुट्टी दे। है ना? Now first prize goes to Hina Wakkar. हिना बकार, इस कदर सिमिलरिटी। सॉरी सर। Thank you.
मेरी बच्ची, ना लाड नानी से। और ये क्या? वाह, इतना बड़ा ट्रॉफी लाई। क्या फायदा? क्या मतलब क्या फायदा है? बताना क्या फायदा मिलना था जो नहीं मिला। फायदा मिलता अगर वो लोग मेरा हाथ नहीं पकड़ते। किसने तेरा हाथ पकड़ा और क्यों? टीचर ने। और आपको पता है आज मेरे स्कूल बाबा आए थे। बाबा? वो कैसे? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन आए थे। शायद अल्लाह ताला ने कहा होगा कि हिना बहुत याद करिए, तो उसे मिलाओ। अब फिर क्या हुआ, तुम मिली उसे? मिले तो, लेकिन उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। नानो, आप भी तो कहती हैं मामा बाबा अपने बच्चों को कभी नहीं भूलते। शायद बहुत दिन हो गए ना, इसलिए वो भूल गए होंगे, है ना नानो? हाँ बेटा, आए मेरे पास। बहुत दिन हो गए ना, शायद इसलिए नहीं पहचाना तुझे। बहुत दिन हो गए, कोई बात नहीं। देखो तेरा ट्रॉफी। वाह माशाल्लाह। ये अभी ऐसा करना, अपने मेज पे रखना बाकी सब ट्रॉफियों के साथ, है ना? मुझे मेरी बुक वापस करो,
नहीं करूंगी, क्या कर लोगे? मैंने कहा मुझे मेरी बुक दो। तुम मुझे क्यों तंग करती रहती हो? जब तक तुम मेरे दोस्त नहीं बन जाओगे तो मैं तो यूं ही तंग करती रहूंगी। मैं तुमसे कभी दोस्ती नहीं करूंगा। नहीं करोगे? फाड़ दूं मैं तुम्हारी ये बुक। देखो तार, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। बदतमीज, तुमने मेरी बुक फाड़ दी। मामा, मामा, आपने मुझे धक्का दे दिया। सॉरी, गलती हो गई। चीखो मत प्लीज, चची जन आके मुझे फिर से मारेंगी। मैं रोऊंगी भी और चिल्लाऊंगी। अच्छी बात है मामा, अगर तुम्हें मारेंगी। मामा, मामा, मामा। क्यों चिल्ला रही हो? मामा, अबे सब मुझे धक्का दिया। क्यों? चची जन, इसने मेरी बुक फाड़ दी थी। अच्छा, तो किताब फाड़ने पर तुम मेरी बेटी को मारोगे? डरावना बना और तुम अवारा हो गए। अभी मैं बताती हूँ। सॉरी चची जान, माफ कर दे, आइंदा नहीं होगा। प्लीज माफ कर दे चची जान। नहीं, माफ कर दूं? बहुत देख लिया माफ कर करके। जैसे मेरी बेटी के आगे से खाना छीनते हो, कभी उसको मारते हो, अभी मैं बताती हूँ। चलो। नहीं चची जान, छोड़ो प्लीज। ऐसे धक्का दिया था ना मेरी बेटी को? अब रहो अंदर भूखे प्यासे। एक बात कान खोल के सुन लो मेरी, मेरी इजाजत के बगैर इस बच्चे को कमरे से कोई बाहर नहीं निकालेगा, समझे? Any problem? जी बॉस, ये मेरा जाती मामला नहीं है, पर एक बुजुर्ग खातून आपसे 2 माह से मिलने आ रही है। नाम पूछा था उनसे? सॉरी सर, मैं नाम पूछना भूल गई। तो तुम्हें उन्हें अंदर भेजना चाहिए था। सर, मैंने जब जब वो आई हैं तब तब आपको इंटरकॉम किया है, पर मैं जर्नेश कहती थी कि आप उनसे मिलना नहीं चाहते या आप बिजी हैं। कुछ कुछ बताया उन्होंने तुम्हें कि क्यों मिलना चाहते हैं? जी सर, मैंने उनसे हमेशा पूछा कि आप मुझे बता दें अपना कोई भी काम, लेकिन वो कहती हैं कि मैं बॉस से मिलकर ही सब कुछ डिस्कस करूंगी। हैरत की बात है, आखिर कौन है वो खातून, क्या काम हो सकता है मुझसे? फिर जब भी वो खातून आए तो डायरेक्ट मेरे नंबर पर फोन करके पूछ लें। जी। जी, एक बार की आवाज तुम्हें सुनाई नहीं देती? ओ मैडम, मैं दरअसल स्टोर रूम के सामने थी ना। स्टोर रूम के सामने क्या कर रही थी? वहां कौन सा कोई खजाना रखा था जिसकी रखवाली कर रही थी? जी वो आपने आबिस को अंदर बंद किया हुआ है ना। आबिस को तुमने अभी तक निकाला नहीं? बंदे की कोई खुद की अकल भी होती है, उसे डराने के लिए बंद किया था। जी वो हम दरअसल वहां से गुजर रहे थे ना, तो बच्चे की आवाज आ गई तो इसलिए रुक गए। अच्छा, जाके उसे निकालो।
खड़ी हुई मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ ना। ये दिमाग पागल करके रखा है, मन मरा गया तो इशू बन जाएगा। कर लिया कि तू मुझे अपने करीब बुला रहा है तो इस बच्ची का भी फैसला कर ले। मेरे मौला, मेरे मालिक, कोई तो सबब बना, रहम फरमा मेरे मालिक, कोई सबब बना, कोई तो इसके सर पे हाथ रखने वाला भेज दे मेरे मालिक। मरने के बाद कोई तो हो जो मेरी तरह इसका ख्याल रख सके। मेरे मालिक, मैं तो आजकल कभी भी अचानक मर जाऊंगी, लेकिन इस बच्ची का क्या करूंगी? अल्लाह ताला, किसके हाथ में इसका हाथ? मेरे मौला रहम फरमा, मेरे मालिक रहम फरमा, कोई तो सबब बना ताकि सुकून से मर सकूं। मेरे मालिक, या अल्लाह तारा मेरे गुनाहों की माफी दे। मेरे पास सुकून से मर सकूं। क्या हुआ, खुल नहीं रहा? हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। हड़प जी, दो चाबी। साहब, वो आबिस के सर से ना बहुत खून बह रहा था जी। ये मुसलसल तुम मुझे बाईपास करने की कोशिश क्यों करती रहती हो? अपनी नौकरी तुम्हें अजीज नहीं है क्या? अल्लाह मियां, प्लीज नानू को यहाँ रहने देना। आपके पास मामा और बाबा है ना, मेरे पास सिर्फ नानू ही तो है। मेरी ये तो चुप हो गया है, आखिर वजह क्या है, क्यों नहीं खाता ये? वो दरअसल मैडम ही इसको सजा देने के लिए भूखा रखती है। नानी, क्या हुआ, क्या हुआ आपको? कुछ भी नहीं, ऐसे हमें चक्कर आ गया। खिड़की जो खोलूं तो देखूं।